जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन जारी। बैठक में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम शामिल। हाइड्रोजन समेत वैकल्पिक ईंधन पर सहयोग, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती ईंधन की चुनौतियों पर चर्चा होगी। टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की दूसरी बार आमने सामने मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग और हिंद प्रशांत के लिए रणनीति में साझेदारी पर चर्चा संभव। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने जापान दौरे के पहले दिन टोक्यो में जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात की। सुजुकी मोटर्स के सलाहकार और एनईसी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से भी मिले। भारत में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। टोक्यो में भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कहा जापान से हमारा आध्यात्म का रिश्ता दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूँ, मक्खन पर नहीं। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान। बोले, क्वाड दुनिया को दिखा रहा है कि जब बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में मिलती है तो लोकतंत्र में सहयोग से बड़े बड़े काम हो सकते हैं। क्वाड मीटिंग से पहले चीन में खलबली। चीन ने कहा, हिंद प्रशांत रणनीति का विफल होना तय है क्योंकि क्वाड का गठजोड़ चीन को काबू में करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन की चीन को चेतावनी। कहा, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका की सेना एक्शन के लिए तैयार रहे। चीन ने बयान की निंदा की। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आ सकता है फैसला। आगे सुनवाई कैसे हो और किस याचिका पर पहले सुनवाई हो, इस पर देगा कोर्ट आदेश। हम पूरे तैयार हैं, चाहे वो 7-11 पर जाएं, दावा पर चल जाएं, या मछलियों पर जाएं, या हमारे जो प्रार्थना पत्र दिए गए हैं कि जो शिवलिंग को आसपास मलबा हटा करके किया जाए उस पर जाए। आपत्ति तीनों पर आ चुकी है, न्यायालय जिस पर आदेश करेगा उन सुनवाई को तैयार है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। वकील अश्विनी उपाध्याय ने पक्ष सुनने की अपील की। कहा, सिर्फ नमाज पढ़ने से मंदिर वाली जगह मस्जिद नहीं हो जाएगी। पूजा स्थल कानून मंदिर पे तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स जो मस्जिद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, वो पूजा स्थल कानून अपने हक में उसको यूज नहीं कर सकते। ज्ञानवापी को लेकर जेडीयू नेता सलीम परवेज का विवादित बयान। कहा, मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और मस्जिद रहेगी। ज्ञानवापी जो मस्जिद है, वो मस्जिद है, रहेगा और पहले भी था। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का अपनी ही पार्टी पर हमला। कहा, उदारवादी दिखाने के चक्कर में हमारी पार्टी के लोग शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं, ये घोर पाप है। शिवलिंग हमारी आस्था का विषय है। शिवलिंग का मखौल या उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ये हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं। मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था और उस जमाने में छुपकर काम नहीं होते थे। पुराने वक्त में जब भी मस्जिद या मंदिर बने तो उसमें बौद्ध विहारों के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, तो क्या मंदिरों को तोड़ दिया जाए? जब भी मस्जिद बनती है या पुराना मंदिर बनता है, आपको मालूम है कि बौद्ध विहारों के बहुत से पत्थर मंदिरों में मिलते हैं, तो क्या उन्हें तोड़ दिया जाएगा मंदिरों को? मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक और याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख दी है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट गर्मी की छुट्टियों से पहले विवादित स्थल का सर्वे कराने की मांग की थी। कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई। कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां मौजूद होने का दावा किया गया है। उत्तराखंड में 425 मदरसों की होगी जांच। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन नादान शिक्षा विभाग को दिया आदेश। लिखा, जो मदरसे मान्यता प्राप्त ना हो उनकी सूची भेजी जाए। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह का विवादित बयान। बोले, हर सिख आधुनिक लाइसेंसी हथियार रखे, समय और हालात की यही मांग। लाइसेंसी जेड़े मॉडर्न हथियार ने लीगल तरीके दे नाल वो भी जिहड़ा है वो रखण दा हर सिख जतन जरूर करे, क्योंकि समा इस तरह दा जिहड़ा है वो आया, हालात इस तरह दे जिहड़े बन रहे हैं।
जथेदार हरप्रीत के विवादित बयान पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का ट्वीट, कहा युवाओं को हथियार की जगह गुरबाणी के प्रसाद पर दे ध्यान। जथेदार घर घर तरक्की के संदेश दें, ना कि मॉडर्न हथियार रखने के संदेश। यूपी के जालौन में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कुछ अराजक लोगों ने जिले के 7 पब्लिक टॉयलेट पर लिखा मुगल शासकों के नाम, मामले की जांच जारी। बरेली में मुस्लिम लड़की ने धर्म बदलकर हिंदू लड़के से मंदिर में की शादी, अब परिवार से बता रही है जान को खतरा। वीडियो वायरल कर पुलिस प्रशासन से लगाई मदद की गुहार, बुरके और हिजाब से मांगी आजादी। राजस्थान के जोधपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पादरी को किया गिरफ्तार। बिहार के रहने वाले एक परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का गौ पालन पर जोर, कहा एक गाय के गोबर और गौमूत्र से 30 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती की जा सकती है, इसलिए जो गाय पालेगा उसे 900 रुपए महीने दिया जाएगा। 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी, 10 जून को होगी वोटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई बड़ी बैठक, गृहमंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, एमपी और महाराष्ट्र के राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए, अनिल बैजल की जगह लेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा जनता की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, काम में सहयोग का दिया भरोसा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, 3 दिन तक फ्री सफर की सुविधाएं प्राप्त होंगी। अयोध्या में 1 जून से राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे आधारशिला, दक्षिण भारतीय शैली पर बना है रामलला सदन। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान, कल ली थी विधानसभा सदस्यता की शपथ। आजम खान और शिवपाल यादव के बाद अब एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन, कहा महंगाई, बेरोजगारी, बेतहाशा बढ़ रही है, अखिलेश को अब कमरे से बाहर निकलने की जरूरत। महंगाई चरम पे है, उस पे चर्चा होनी है, बेरोजगारी पे चर्चा सरकार भाग रही है, जो 50 साल सैकड़ों साल से गांव सभा की जमीन पर बसे हुए हैं उनको जो है सरकार उजाड़ रही है, तो इस चीज को भी सदन में उठाने का काम हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन जल्द, प्रियंका गांधी की भूमिका बढ़ेगी। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी ब्राह्मण या दलित नेता की हो सकती है नियुक्ति। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा एजेंसियों का इस्तेमाल कर राज्यों के मामले में दखल दे रहा है केंद्र, बीजेपी का शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में औरंगाबाद में जन आक्रोश यात्रा, मराठवाड़ा में पानी की परेशानी को लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फडणवीस की रैली पर साधा निशाना, कहा आंदोलन में गंभीरता नहीं दिखी, विपक्ष के नेता अगर मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात करते तभी सही था, इस तरह से मोर्चा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर पानी की समस्या को लेकर बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार पर हमला बोला, कहा दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, सरकार सोई हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों से की मुलाकात, सुरक्षा का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के लोनावला के जंगलों में दिल्ली का इंजीनियर फरहान सिराजुद्दीन शाह लापता, ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी, जंगल में घूमने गया था फरहान। हरियाणा के रोहतक से मिला दिल्ली की रहने वाली हरियाणवी गायिका संगीता का शव, 11 मई से लापता थी संगीता, दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर 5 दिन की रिमांड पर लिया। दिल्ली में शास्त्री भवन के 7वें फ्लोर से एक शख्स ने कूदकर आत्महत्या की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था राकेश मलिक।
पंजाब में रूपनगर की जिला अदालत ने पटियाला देहात के एमएलए बलबीर सिंह, उनकी पत्नी और बेटे को 3 साल की सजा सुनाई। 11 साल पुराने मारपीट के मामले में मिली सजा, विधायक के रिश्तेदारों ने लगाए थे आरोप। बाहुबली और माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज, प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे गिराने के बाद फिर से निर्माण करने का लगा आरोप। यूपी के हरदोई में 2 हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, राइफल पिस्टल समेत 16 हथियार बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूकेलिप्टस और आम के बगीचे में बनाए जा रहे थे हथियार। बिहार के गया में दिन दहाड़े फायरिंग के आरोप में आरजेडी के पूर्व विधायक शिव वचन यादव समेत कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। पांडे परसावा गांव में रविवार की घटना का वीडियो हुआ था वायरल, 2 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के महोबा में 64 साल की महिला बनी मिसाल, घूंघट छोड़कर हैंडपंप मिस्त्री बनी। गांव में अब तक 500 से ज्यादा हैंडपंप की मरम्मत की, दूसरी महिलाओं को भी कर रही हैं जागरूक। दिल्ली एनसीआर में देर रात को झमाझम हुई बारिश, मॉनसून के पहले ही बारिश से गर्मी में मिली निजात, तकरीबन 8 से 12 डिग्री गिरा पारा, लेकिन जल जमाव ने बढ़ाई परेशानी। राजस्थान में भी मौसम ने ली करवट, कोटा में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, 30 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में हुई बारिश, लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, सामान्य से नीचे पहुंचा पारा। उत्तराखंड में भी बदला मौसम का मिजाज, केदारनाथ में लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते यात्रा पर तत्काल लगी रोक। यात्रियों को सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामपुर, फाटा, सीतापुर और गुप्तकाशी में सुरक्षित जगहों पर रोका गया। असम के मारीगांव में कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, घर घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 268 नए मामले मिले, संक्रमण दर 2.69% हुई। दुनिया में तेजी से फैल रहा है मंकी पॉक्स, 12 देशों में मंकी पॉक्स के 90 से ज्यादा मामले सामने आए। भारत में भी हाई अलर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश से आने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में ग्रीन एनर्जी को लेकर आंध्र प्रदेश और अडानी ग्रुप के बीच समझौता, सीएम जगनमोहन रेड्डी और गौतम अडानी की मौजूदगी में हुए हस्ताक्षर। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।